हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। इससे पहले हमने क्या किया था, हमारी सेकंड यूनिट जो केमिस्ट्री की है 11th क्लास, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और फिर हमने किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, हम कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल। जब थॉमसन मॉडल आया उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मॉडल देना स्टार्ट किया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल देने से पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये। तो यही पूछा जाता है, व्हाट इज द रदरफोर्ड अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसने ऐसा क्या किया था और क्यों किया, इसने एटम के बारे में, उसके मॉडल के बारे में जानने के लिए यह एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार इसको चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्या थॉमसन मॉडल जो पढ़ा था, थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था। जो हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था उसने एक दो बातें ऐसी कही थी। उसने क्या कहा था, जो मास है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कहा था। इसने कहा था या नहीं कहा था, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, ये बात याद रखने की है, मैंने पहले भी कहा था। और ये किसने कहा था, चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द एटम, ये भी कहा था। तो जो थॉमसन है इसने ये दो बातें कही थी, मास जो है पूरे में फैला हुआ है एटम का, और जो चार्ज है वो भी सभी जगह एक जैसा फैला हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये थॉमसन ने कहा था। तो ये बात याद रखने की है। अब आगे बढ़ते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की तरफ। रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इसने क्या कहा था, इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, एक कैविटी ली लेड की, लेड कैविटी ली और उसके अंदर क्या किया, ऐसा एलिमेंट रखा जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज निकल रही हो, और अल्फा रेज किसमें से निकलती है, रेडियो एक्टिव। तो ये कैसा ले लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ले लिया इसने। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में तीन टाइप की रेज निकलती है, अल्फा बीटा और गामा, उनमें से अल्फा रेज का इसने यूज कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्केटरिंग। तो ये अल्फा रेज जैसे यहां से निकली तो यहां से लगा दी फाइन स्लिट, क्यों, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट पास हो। तो ये आपके अल्फा रेज हैं। इन अल्फा रेज का क्या किया गया, उसने एक बिल्कुल फाइन गोल्ड की फॉइल ली। किसकी फॉइल ली, गोल्ड, गोल्ड जो होता आपका उसका एटम लिया, बिल्कुल फाइन पार्टिकल ले लिया गोल्ड का, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब इस छोटे से टुकड़े में गोल्ड के कितने एटम है ये तो कहा ही नहीं जा सकता, तो ये गोल्ड का एटम लिया, ठीक है, गोल्ड का छोटा सा पार्टिकल लिया, थिन फॉइल ले ली गोल्ड की, ये थिन फॉइल है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, फॉइल ऑफ गोल्ड भी आप लिख सकते हो, गोल्ड फॉइल ये थी। उसके बाद इसने क्या किया, इन अल्फा रेज की बॉम्बार्डमेंट इसके ऊपर करवाई, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, और इसके चारों तरफ क्या लगा दिया, ZNS स्क्रीन लगा दी, क्या लगा दी, ZNS स्क्रीन वाज सेटेड अराउंड द गोल्ड फॉइल, ये है ZNS स्क्रीन। क्या काम है ZNS स्क्रीन, इसमें से टकराने के बाद जो अल्फा रेज है ये कहां पे टकराती है ये हमें देखना है, यानी कि इसके ऊपर स्ट्राइक की तो इसके अंदर से निकल के ये कहां पे स्ट्राइक हो रही है ये हमें पता करने के लिए ZNS स्क्रीन लगा दी। ये था इसका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था। इसने क्या किया है, सबसे पहले एक लेड कैविटी ली, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रख दिया, और मैं तुम्हें बता चुका हूं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यूसली रेडिएशन छोड़ रहे हैं, कितने टाइप की, तीन, अल्फा बीटा और गामा, उनमें से अल्फा रेज को इसने यूज कर लिया और एक फाइन स्लिट से पास किया और उसने थिन गोल्ड की फॉइल ली उसके ऊपर स्ट्राइक करवा दिया, और इस गोल्ड की फॉइल के चारों तरफ कौन सी स्क्रीन लगा दी, ZNS स्क्रीन। तो क्या किया, जो ये था रदरफोर्ड, इसको अनुमान था, क्या था, अगर थॉमसन सही होगा, अगर थॉमसन ने मॉडल दिया था अगर वो सही होगा तो इसने सोचा था कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, मैं बताता हूं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग थे। इस एक्सपेरिमेंट के जो उसने ऑब्जर्वेशन थी बिल्कुल वो अनएक्सपेक्टेड थी। तो इसने तो क्या सोचा था, पहले इसकी सोचने वाली बता रहा हूं, इसने क्या सोचा था, इसने सोचा था थॉमसन
ने क्या कहा था, थॉमसन के अकॉर्डिंग सोच रहा था। इसने पहले थॉमसन के मॉडल को ही तो क्या करना था, वो सही है या गलत है यही तो देखना था। थॉमसन ने कहा था चार्ज और मास जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसने क्या कहा, अगर रियल में थॉमसन सही है और रियल में चार्ज और मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, रियल में चार्ज और मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर थॉमसन का मॉडल सही है, यानी कि ये आपका एटम है, इस एटम के अंदर सभी जगह चार्ज और मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो थॉमसन ने कहा जब हम इसके अंदर से ये अल्फा रेज पास करेंगे। अरे ये गोल्ड का एटम है और एटम का मॉडल किसने बताया था, थॉमसन ने बता दिया था, उसके अंदर चार्ज और मास कैसे है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर रियल में ये सही है तो थॉमसन ने कहा जब हम इसके अंदर से अल्फा रेज पास करेंगे, जो अल्फा रेज होती है उनकी इतनी एनर्जी है, सो मच एनर्जी, इनकी इतनी एनर्जी है, दीज कैन बी पास फ्रॉम दिस मास, वे इस मास में से या तो सीधी पास हो जाएंगी या स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगी। क्या हो जाएंगी, उनका इतनी एनर्जी है कि वो इस मास में से आसानी से आर पार निकल जाएंगी या फिर थोड़े से एंगल से, जैसे यहां से गई तो ये थोड़े से एंगल से क्या हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी, या तो बिल्कुल सीधी पास हो जाएंगी या बिल्कुल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ऐसा अगर रिजल्ट इस एक्सपेरिमेंट का आता है, इसका मतलब थॉमसन ने जो बताया था भी एटम ऐसा है, उसके अंदर सभी जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ऐसा जो थॉमसन ने बताया था वो सही है, तो पहले थॉमसन का जो बताया हुआ मॉडल था वो सही है या गलत है वही साबित करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने क्या कहा, अगर थॉमसन सही होगा और चार्ज और मास सभी जगह फैला हुआ है, तो रदरफोर्ड ने कहा व्हेन वी पास द अल्फा रेज देयर एनर्जी इज सो मच दीज पास थ्रू दिस एटम विदाउट डिफ्लेक्शन और विद द स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, यानी कि जो आपकी ये रेज है अल्फा रेज, ये या तो बिल्कुल सीधी पास हो जानी चाहिए या अदरवाइज दीज पास थ्रू द थ्रू विद द डिफ्लेक्शन ऑफ स्मॉल एंगल, या फिर ये थोड़े से स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। तो आप लिख लोगे इफ द थॉमसन मॉडल इज करेक्ट, दैट इज चार्ज एंड मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज चार्ज एंड मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, देन अल्फा रेज हैव सो मच एनर्जी, हैव सो मच एनर्जी, दीज कैन बी पास स्ट्रेट और विद द स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन फ्रॉम द एटम। बट लेकिन क्या हुआ, जब यहां पे रिजल्ट्स देखे, बट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज अनएक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं मिला जैसा सोचा गया था, बट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा नहीं था। तो क्या था, सुनिएगा, रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट के क्या ऑब्जर्वेशन क्या थी, तो ऑब्जर्वेशन सुनिए। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी, इसने जो मोस्ट ऑफ द रेज थी वो बिल्कुल सीधी पास हो रही थी, इस गोल्ड फॉइल से टकरा के बिल्कुल सीधी पास हो रही थी। कैसे पता चला, अरे बिल्कुल यहां पे इस गोल्ड के एटम के बिल्कुल सामने जहां से ये रेज आ रही है उसके सामने यहां पे क्या हो रहा था, ग्लोइंग हो रही थी। अगर यहां पे ग्लोइंग तो तब होगी जब ये रेज बिल्कुल सीधी आई, इसका मतलब क्या है, और 90% रेज ऐसी थी जो बिल्कुल सीधी पास हो रही थी। तो इसने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द रेज पास स्ट्रेट, बहुत सारी रेज जो है बिल्कुल सीधी पास हो रही थी, पहला ऑब्जर्वेशन तो इसने ये देखा, यहां पे ग्लोइंग हुई। दूसरे इसने क्या देखा, कुछ रेज ऐसी थी जो यहां पे ग्लोइंग कर रही थी, इधर क्या है, कुछ रेज डिफ्लेक्ट विद द एंगल, स्मॉल एंगल्स, तो क्या थी, some rays deflected with small angle, कुछ रेज ऐसी थी जो सीधे क्या है पास नहीं होने की बजाय थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन अगर थॉमसन के अकॉर्डिंग सही होता तो क्या होता,
पास स्ट्रेट होनी चाहिए थी और बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होनी थी, लेकिन यहां पे थोड़े से ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। और क्या है, मोस्ट ऑफ द रेज सीधी पास हो गई, लेकिन क्या है, थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर थॉमसन सही होता तो रदरफोर्ड ने क्या सोचा था, सारी रेज ऐसी पास नहीं होती, अल्फा रेज की इतनी एनर्जी है, कुछ रेज तो क्या हो जाती, सीधी पास हो जाती और कुछ रेज स्मॉल एंगल से। लेकिन दोनों रिजल्ट, दोनों ऑब्जर्वेशन क्या थी, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि मोस्ट ऑफ द रेज स्ट्रेट पास हो रही थी, सम रेज क्या हो रही थी, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। और तीसरा क्या देखा इसने, तीसरी और सुनिए, तीसरा इसने क्या देखा, कुछ रेज ऐसी थी जो यहां पे आई, इससे टकराई और 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। सम रेज आर डिफ्लेक्टेड विद 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री के एंगल से क्या हो रही थी, यानी कि जिस डायरेक्शन इसे आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन इसने देखी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। अगर एक बार फिर से सुनिए, थॉमसन मॉडल सही होता तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रेज या तो स्ट्रेट पास होनी थी या स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन। लेकिन क्या यहां पर रिजल्ट, तीन ऑब्जर्वेशन मिली और तीनों थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने जैसा सोचा था वैसा नहीं था। अगर थॉमसन सही होता तो क्या बताया था, मैंने बता दिया तुम्हें, लेकिन क्या यहां पे रिजल्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, सारी की सारी रेज 90% रेज सीधी पास हो गई, और थॉमसन अगर सही होता तो कुछ 40-50% ही सीधी पास होनी थी। दूसरी बात, सम रेज डिफ्लेक्टेड विद अ स्मॉल एंगल, कुछ रेज ऐसी थी जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर आपका थॉमसन सही होता तो वेरी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पे स्मॉल एंगल दो हैं, एक वेरी स्मॉल और एक स्मॉल एंगल। और अगर थॉमसन सही होता तो कोई भी रेज 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्शन नहीं होनी थी, और यहां पे क्या होगी, 180 डिग्री के एंगल से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ये था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन। बोलो इसमें कुछ समझ आया या नहीं आया? अरे फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। बस दो बातों का याद रखो, पहले आप ये बताओगे इफ द थॉमसन मॉडल वाज करेक्ट देन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मोस्ट ऑफ द सम रेज पास स्ट्रेट बिकॉज अल्फा रेज हैव सो मच एनर्जी दे कैन पेनिट्रेट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास एंड और ओनली सम रेज डिफ्लेक्टेड विद अ वेरी स्मॉल एंगल बट द रिजल्ट वाज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मीन्स देर आर द थ्री ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द रेज पास स्ट्रेट, सम रेज पास विद अ स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, सम विद द 180 डिग्री एंगल, दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। सो थॉमसन मॉडल वाज इनकरेक्ट, इसलिए थॉमसन मॉडल कैसा था, गलत था, थॉमसन ने जो बताया था वो सही नहीं था। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन। फिर इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उसने कुछ रिजल्ट्स बनाए। इन तीन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए रदरफोर्ड ने क्या बताया मोड एटम के बारे में, वो देखेंगे। ये आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर हो गया, कर दो बच्चों साफ। अब देखिएगा, इसको मैं हटा दूं, अब देखिएगा इन तीनों ऑब्जर्वेशन की रिजल्ट्स क्या थे। सम रिजल्ट्स वाज ड्रॉन बाय द रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। तो इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ रिजल्ट्स निकाले। क्या क्या रिजल्ट्स थे, पहला क्या निकाला, हमने जब देखा, उसने जब देखा तो रियल में देखो ऐसा था, ये तो हमने जो दिया था ना अभी तक, ये तो था बिल्कुल स्मॉल लेवल पे। फिर इसने क्या किया, इसकी बड़ी पिक्चर बना के दिखाई। क्या बनाई भाई, ये मान लेता हूं मैं एटम है, क्या मान लिया, एटम है, इसमें से जो अल्फा रेज है वो क्या हो रही थी, ये ऐसे स्ट्रेट पास हो रही थी, मोस्ट ऑफ द रेज जहां से आई वहीं से जा रही थी, ऐसे पास हो रही थी ना, पहला रिजल्ट यही है। इसका मतलब उसने पता क्या निकाला, इसका मतलब निकाला रदरफोर्ड ने, इसने मतलब निकाला, क्या मतलब निकाला, मोस्ट ऑफ द रेज सीधी पास होने का मतलब क्या है, सीधी पास होने का मतलब ये है इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा एम्पिटी स्पेस है, क्या है, देयर इज द लार्ज एम्पिटी स्पेस, लार्ज एम्पिटी स्पेस इन द एटम, इन एटम, एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्पिटी स्पेस है। इस एम्पिटी स्पेस को दिखाने के लिए उसने क्या किया था, उसने क्या किया, ये छोटे छोटे एटम्स, जैसे कि ये ले लिए, ये गोल्ड के बहुत सारे एटम्स लिए और इनमें से इन रेज को पास किया,
तो ये रेज ऐसे जब पास की तो ये मोस्ट ऑफ द रेज बिल्कुल सीधी पास हो रही थी। इसका मतलब क्या है, सीधी पास होने का मतलब क्या है, जो एटम है उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्पिटी स्पेस है और उस एम्पिटी स्पेस में से जब ये अल्फा रेज जाएंगी तो सीधी सी बात है ना ही तो किसी को अट्रैक्ट करेंगी ना किसी को रिपेल करेंगी, तभी तो सीधी पास हो रही है। अरे ज्यादातर रेज सीधी पास क्यों हो रही है, तो रदरफोर्ड ने आइडिया लगाया इसका मतलब एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्पिटी स्पेस पड़ा हुआ है। जब उस एम्पिटी स्पेस में से ये अल्फा रेज जाती है तो उनके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होता, वे सीधी पास हो जाती है। तो पहला इसका यह था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्पिटी, देयर इज अ लार्ज एम्पिटी स्पेस इन द एटम। फिर इसने सेकंड क्या कहा, सेकंड सुनिएगा इसकी ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन से इसने क्या रिजल्ट निकाला। इसने कहा कुछ रेज स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्शन कब होता है, ध्यान से सुनिए, जो अल्फा रेज है उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डिफ्लेक्ट कब होगा, जब किसी पॉजिटिव के संपर्क में आएगा, क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। फिर रदरफोर्ड ने आइडिया लगाया ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, जो आपका एटम है उसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तभी तो जब उस एटम के अंदर से हमने ये अल्फा रेज पास की तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि अल्फा रेज पे पॉजिटिव, इसका मतलब इस एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और वो बहुत ही स्मॉल जगह पे है, थोड़ी सी जगह पे, देयर इज द वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। एटम के अंदर मान लेते यहां पे मान लिया कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव चार्ज है और ये रेज इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक से जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसने क्या कहा सेकंड ऑब्जर्वेशन में, देखिए उसने क्या रिजल्ट्स निकाला। एज वी नो अल्फा रेज है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज, सो दीज आर डिफ्लेक्टेड, दीज आर डिफ्लेक्टेड व्हेन दे कॉन्टेक्ट विद दी कॉन्टेक्ट विद पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स देयर इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। एटम के अंदर बहुत ही कम जगह पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, और अगर सभी जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो ये सारी की सारी रेज 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं होनी थी। मान लेते ये एटम है, इसमें सभी जगह पॉजिटिव चार्ज होता बहुत ज्यादा, तो ये यहां से उल्टी नहीं आ जानी चाहिए थी, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। लेकिन यहां पे तो क्या देखा, मोस्ट ऑफ द रेज तो सीधी पास हो गई, इसका मतलब एम्पिटी स्पेस है और कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी है, और उस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्टेक्ट में जो भी रेज आती है उसके नजदीक से जो भी जाती है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये कहा पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए तो ये डिफ्लेक्ट। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है एटम में लेकिन बहुत ही कम जगह पे है। फिर इसने थर्ड क्या आइडिया लगा दिया, जो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह पे है ना उसको इसने नाम दे दिया न्यूक्लियस, देयर इज द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको इसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। कैसे नाम दिया वो भी बताऊंगा, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी बच्चों, किसने की थी, रदरफोर्ड ने। उसने क्या आइडिया लगाया, जब रेज 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हुई तो इसने क्या कहा, डेंस पॉजिटिव चार्ज है, कैसा, बहुत ही डेंस इन द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में बहुत ही डेंस पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है सेंटर के अंदर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, उसको इसने न्यूक्लियस नाम दे दिया। उस पॉजिटिव चार्ज से जो सीधी रेज टकराई, देखो इसके साइड से होके जाएगी वो तो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट, क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, लेकिन इससे जो सीधी टकराएगी वो कितने डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, 180 डिग्री के एंगल से। तो द रेज विच आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द 180 डिग्री एंगल, इट मींस देयर इज द डेंस पॉजिटिव चार्ज इन द एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको इसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस, विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर। इफ एनी अल्फा रेज स्ट्राइक विद द न्यूक्लियस, इट विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द 180 डिग्री एंगल। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन को देखते हुए रदरफोर्ड ने ये तीन क्या निकाल दिए, रिजल्ट्स निकाल दिए। बहुत इजी था बच्चों, समझने की बात है, एक एक सिर्फ ओनली पॉइंट टू पॉइंट अगर आप इनको क्या करोगे, अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल इजी था। देखो मोस्ट ऑफ द रेज सीधी पास हुई, इसका क्या मतलब है, एटम के अंदर एम्पिटी स्पेस है और एम्पिटी स्पेस में से अल्फा रेज जाएगी तो वो सीधी जाएगी। स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब उसने क्या कहा, डिफ्लेक्शन तो तब होगा, क्यों,
अल्फा रेज में कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इसका मतलब एटम में भी कहीं ना कहीं कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। इसका मतलब डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ है एटम के अंदर कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर लास्ट 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तब रदरफोर्ड के माइंड में आया वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और बहुत ही घना है, डेंस है। डेंस का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना, और वो डेंस पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इसने क्या नाम दे दिया? उस जगह को इसने न्यूक्लियस नाम दे दिया। उस डेंस पॉजिटिव चार्ज से अल्फा रेज पे भी पॉजिटिव, उस डेंस रे उस डेंस जगह पे उस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव, उससे जो रेज सीधी टकराएगी वो कितने डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होगी? 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। ये तीन रिजल्ट्स निकाले, और ये रिजल्ट पता क्या करें? ये बता रहे हैं हमें रदरफोर्ड ने क्या मॉडल बताया। अब रदरफोर्ड ने मॉडल बता दिया भाई एटम कैसा है, एटम कैसा है वो इसने बता दिया। बता तो दिया इसने एटम के बारे में क्या बता दिया। अब सुनिएगा, इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए रिजल्ट्स निकाले, फिर इन रिजल्ट्स को देखते हुए रदरफोर्ड गिव सम पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। अब उसने मॉडल के बारे में एटम कैसा है उसके बारे में इन रिजल्ट्स को देखते हुए कुछ पोस्टुलेट तथ्य बताए भी एटम ऐसा हो सकता है। तो क्या है आगे आप क्या पढ़ोगे? पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे वो सुनिएगा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को मैं स्टार्ट अगर करने से पहले बताऊं तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही कम जगह पे है, और जो पूरे एटम का रेडियस माना जाता है ना, पूरे एटम का रेडियस माना जाता है 10^-10 मीटर, इतना रेडियस है। और जो इसका न्यूक्लियस है उसके बारे में रदरफोर्ड ने क्या कहा, वो जो न्यूक्लियस है उसकी अगर अकेले न्यूक्लियस की रेडियस मेजर करें तो 10^-15 मीटर है अकेले उस न्यूक्लियस। यानी कि एटम की कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही क्या है, स्मॉल जगह पे है, बहुत ही क्या है, स्मॉल जगह पे है। और उसी के कारण इसने क्या कहा, वो बहुत ही स्मॉल जगह पे है, बहुत ही कम जगह पे है। और जो इसने एक और बात क्या कही, जो एटम का मास है, एटम का मास रदरफोर्ड ने क्या कहा था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहा था ना। लेकिन रदरफोर्ड ने देखो क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था एटम का मास है इज ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, केवल और केवल कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। क्या मतलब इसका, मान लेते हैं ये आपका एटम है जिसकी रेडियस है 10^-10 मीटर, ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इसकी रेडियस कितनी है 10^-10। अब इस पूरे एटम का जो मास है वो यहां पे है इस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का जो वेट होगा वो पूरे एटम के मास के बराबर होगा। ये जो बाहर वाला एरिया ना, इसका कोई पार्टिसिपेशन, बहुत ही कम पार्टिसिपेशन होता है। मैं कह दूं भाई न्यूक्लियस का मास 2 ग्राम है, इसका मतलब इस एटम का मास कितना है, 2 ग्राम है। तो इसने एक बात यह भी कही थी, न्यूक्लियस है वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू एटम, सो द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज सेंटर्ड इन टू द न्यूक्लियस या इज Only present in the nucleus. फिर इसने रदरफोर्ड ने कुछ मॉडल में दिए तो वो सुनिएगा क्या कहा। अब सुनिएगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। सबसे पहली पोस्टुलेट इसने क्या कही, इसने कहा डेंस पॉजिटिव चार्ज, डेंस पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर कॉल्ड प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको इसने क्या नाम दे दिया, बहुत ही डेंस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है सेंटर में, उसको इसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। फिर इसने आगे क्या कहा, एंड मोस्ट ऑफ द मास, मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी, वही यहां से उठा के इसने वहां पर रख दिए। तो ये इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या वो आप देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है, डेंस पॉजिटिव चार्ज है जिसको इसने न्यूक्लियस, और सारा का सारा मास उस न्यूक्लियस में है। सेकंड पोस्टुलेट क्या थी, इसने इसने कहा था जो ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ सेल्स है जिसको इसने ऑर्बिट नाम दिया, इसके चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट्स है। इसने क्या कहा, अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ आर प्रेजेंट दैट आर कॉल्ड ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, जिसके अंदर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट लिखोगे अराउंड द न्यूक्लियस,
देर आर द सर्कुलर पाथ, क्या प्रेजेंट है सर्कुलर पाथ, दैट सर्कुलर पाथ आर नोन एज ऑर्बिट्स, उन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया गया ऑर्बिट्स, इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और तीसरी पोस्टुलेट, तीन ही पोस्टुलेट बताई थी इसने, तीसरी पोस्टुलेट क्या कह रहा है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों भी अरे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव सेंटर पे पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये बताया था रदरफोर्ड मॉडल ने। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशन, फिर उसके रिजल्ट्स, उन रिजल्ट्स को देखते हुए उसने क्या बना दिया अपना मॉडल बना दिया भी ऐसा है एटम, और रियल में इसने जो बताया था वो 90% करेक्ट था। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, हो गया बच्चों। अब हमने क्या पढ़ लिया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, अब आगे हमारे पास है उसकी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसकी क्या कमियां थी वो कैसी थी। सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा, लिमिटेशन को स्टार्ट करने से पहले ही ऐसा कहा गया था जो आपका एटम है वो सिमिलर टू सोलर सिस्टम है, ऐसा भी कहा गया था रदरफोर्ड मॉडल में, आप डाल सकते हो आवर एटम इज सिमिलर टू सोलर सिस्टम के जैसा, कैसे क्यों है, क्योंकि सोलर सिस्टम में भी आप सन होता है, सन के चारों तरफ ये क्या प्लेनेट्स हैं जो वेल डिफाइंड पाथ में घूम रहे हैं, एक पर्टिकुलर पाथ में ये प्लेनेट्स सन के चारों तरफ क्या रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल अरे आपकी जो अर्थ है वो भी तो सन के चारों तरफ क्या रही चक्कर लगा रही है, तो ये क्या है इसी तरीके से इसने कहा एटम के अंदर भी सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ये पाथ है जिनके अंदर कौन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऐसा कहा गया था। फिर क्या है अगर हमें सन और ये प्लेनेट्स इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करना है तो क्या किया गया, ऐसा कहा गया इसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स लगेगी, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम सन और कोई भी एक प्लेनेट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड में आर स्क्वायर, जी क्या है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम इसका मास मान लो चाहे इस प्लेनेट का, एम टू इसका मास मान लो या इसका, एक इसका मास और एक इसका, और आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, हो गया। फिर क्या कहा गया सिमिलरली आवर एटम इज लाइक द सोलर सिस्टम, इसके ऊपर भी अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स लगाएंगे, इसके ऊपर भी अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स लगाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करना है, अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करना है तो क्या आएगा उसके वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड में आर स्क्वायर, वो और वो एक्सप्रेशन देखो सेम है, के यहां पर एक नया कॉन्स्टेंट है, यहां पर कौन सा कॉन्स्टेंट था ग्रेविटेशनल, के और जी सेम है, वहां पे मास थे यहां पे चार्ज है, क्यों न्यूक्लियस पे भी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज, इसलिए क्यू वन और क्यू टू क्या है चार्ज, और आर क्या है डिस्टेंस, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर जब क्लासिकल मैकेनिक्स लगाते हैं ये फिजिक्स का पार्ट है तो सन के बीच में और प्लेनेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इस एक्सप्रेशन से डिराइव किया जाता है। इसी तरीके से एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है अगर उसको कैलकुलेट करना हो तो यह फॉर्मूला लगेगा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या कहा गया, ये कहा गया जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाती है सर्कुलर पाथ में, जैसे कि अब कोई भी बॉडी हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है व्हेन एनी बॉडी मूविंग अराउंड अदर बॉडी देन एक्सेलरेशन, जैसे अब ये मान ले घूम रहा है इसके चारों तरफ तो इसमें क्या क्रिएट होगा एक्सेलरेशन, क्यों क्रिएट होता है क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी घूमती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन, क्या प्रोड्यूस होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे ही क्या कहा गया, ऐसा कहा गया आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगा
एक्सेलरेशन। तो इसने क्या कहा, व्हेन एनी बॉडी मूविंग अराउंड अदर बॉडी देन एक्सेलरेशन क्रिएटेड, इट मींस अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस दे हैव एक्सेलरेशन, उनके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। क्यों प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। जो सर्कल में घूमता ना उसकी प्रत्येक पॉइंट पे, जैसे मैंने इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखी ये, इस पॉइंट पे देखूंगा तो ये, प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस कारण इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। फिर क्या कहा गया, ऐसा कहा गया जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो भी चार्ज बॉडी में, ये देखो चार्ज है इस पे कोई ना कोई, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, तो इस पे अगर चार्ज प्रोड्यूस होगा तो ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा। क्या करेगा, अगर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूम रही है, देखो न्यूक्लियस पे चार्ज है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, अगर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज, ये अपनी एनर्जी को छोड़ देगा। अगर एनर्जी को छोड़ेगा तो धीरे 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 इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ये न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगा। और हमने पढ़ा था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट मींस एटम, अगर हम देखें रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम तो अनस्टेबल हो गया। कैसा हो गया अनस्टेबल, क्यों, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है, इट मींस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम इज अनस्टेबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से, हटा दू इसको, अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा थोड़ा सा फास्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या कहा गया था, ये आपका एटम है, उसके चारों तरफ ये पाथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इनके ऊपर भी चार्ज है, इनके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स लगाई गई, क्लासिकल मैकेनिक्स लगाई गई, तो ये क्या कहती है, क्यों, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के जैसा है। इसने कहा जब कोई सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूमती है दूसरी बॉडी के चारों तरफ तो उसमें क्या क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन। क्यों, बिकॉज डायरेक्शन चेंज होती है, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूमती है तो उसकी डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पे चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन एक बात और कही, व्हेन ए चार्ज बॉडी रिवॉल्व अराउंड द अदर चार्ज बॉडी, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, एक चार्ज बॉडी जब घूमेगी, व्हेन ए चार्ज बॉडी रिवॉल्व देन ड्यू टू एक्सेलरेशन इट रिलीज एनर्जी, ये क्या करेगी, एनर्जी को छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे एनर्जी को छोड़ेगा, और एनर्जी को छोड़ेगा इट्स एनर्जी बिकम्स लो इन द एंडिंग, इतनी एनर्जी लो हो जाएगी, इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एंड एटम विल डिस्ट्रॉय, और एटम क्या हो जाएगा, विल डिस्ट्रॉय। इट मींस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम इज अनस्टेबल, एटम कैसा है, अनस्टेबल है, एटम इज अनस्टेबल विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये रदरफोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी, पता चल गया बच्चों, ये थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आपको मैंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसका मॉडल, उसकी लिमिटेशन, सब कुछ मैंने इकट्ठा करके तुम्हें बता दिया। आपको एक एक चीज मैंने अलग अलग बताई है, पता होना चाहिए। अब आप इसको वीडियो को देख लिया है, इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फिर ये बातें नोट डाउन कीजिए, सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, ओके। अब एक टॉपिक और छोटा सा बचा हुआ है, उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। क्यों, अब तक का जो पार्ट था वो शायद 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, इससे आगे जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो के बाद जो पार्ट आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।